कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर 01 वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, D123 सिटी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली। मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पहले 4 अध्यायों में जीव पदार्थ का वर्णन हुआ, 5वें अध्याय में अजीव पदार्थ का वर्णन हुआ, अब 6ठे अध्याय में आश्रव पदार्थ का वर्णन है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज क्या कहते हैं, यह 6ठा अध्याय 6ठा हुआ है, अर्थात इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ना समझना चाहिए और जीवन में भी उतारना चाहिए। हमें जानना क्या है, हमारा आत्मा संसार भ्रमण क्यों कर रहा है, क्योंकि कर्मों का आश्रव और बंध होता है। यदि कर्मों के आश्रव में हम रुकावट डाल दें तो हमारी आत्मा पवित्रता की ओर अग्रसर हो जाए, क्योंकि कर्मों का आना कम हो जाए। इसलिए इस 6ठे अध्याय को हमें अच्छी प्रकार सुनना भी है, समझना भी है और उतारना भी है। आइए पहले आश्रव की परिभाषा की चर्चा करते हैं। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, काय वांग मनः कर्म योगः। नहीं, ये अशुद्ध हो गया। कर्म अलग बोलिए, योग अलग बोलिए। ये अशुद्धि सभी लोग करते हैं, 99% करते हैं। फिर उच्चारण देखें, काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। बोलिए, काय वांग मनः कर्म योगः। काय माने शरीर, वांग माने वचन और मन, इनकी कर्म माने क्रिया को योग कहते हैं। काय माने शरीर, वांग माने वचन और मन माने मन, इनकी कर्म माने क्रिया को योग कहते हैं। अर्थात शरीर, वचन या मन की किसी क्रिया के होने पर आत्मा के प्रदेशों में जो हलनचलन होती है, जो परिस्पंदन होता है, वह परिस्पंदन योग कहलाता है। योग के इस सूत्र में 3 भेद हो गए। अगर मन के कारण आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है तो मनोयोग, वचन के कारण हो रहा है तो वचन योग, और शरीर के कारण अगर आत्म प्रदेशों में हलनचलन हो रही है तो वह काय योग है। इस तरह योग 3 प्रकार का कहा। आपने संक्षेप से तो 3 भेद योग के बता दिए, यदि विस्तार से जानना चाहें हम तो और भी कितने भेद होते हैं? योग के विस्तार से 15 भेद होते हैं, जैसे मनोयोग के 4 भेद, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। वचन के भी 4 भेद,
सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। काय योग के सात भेद हैं, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। सामान्य से योग के तीन भेद रहे, मनोयोग, वचन योग और काय योग। जब हम डिटेल में आए तो मनोयोग के चार भेद, वचन योग के चार भेद और काय योग के सात भेद, कुल मिलाकर योग 15 प्रकार का होता है। हमारे वर्तमान में कितने योग होते हैं? हमारे वर्तमान में देखो मनोयोग चारों हैं, वचन योग भी चारों हैं और काय योग में सिर्फ औदारिक काय योग है, अन्य 6 काय योग नहीं। इसलिए हमारे कितने योग हुए? 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक काय योग। कुल 9 योग वर्तमान में होते हैं। अभी जो आपने 9 प्रकार के योग बताए जो हमारे होते हैं, क्या ये एक समय में हो सकते हैं? नहीं, नियम ये है एक समय में एक ही योग होता है। योग और उपयोग, कभी ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हम बोल भी रहे हैं और चल भी रहे हैं, शरीर में भी हलन चलन हो रही है, वचन भी बोल रहे हैं और सोच भी रहे हैं, तीनों योग एक साथ हो रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता। जब मनोयोग होता है तो वचन योग नहीं, वचन योग होता है तो काय योग नहीं। 4 मनोयोग में से भी एक समय में एक मनोयोग होगा और जब वो मनोयोग होगा तो अन्य मनोयोग, वचन योग और काय योग कोई भी नहीं होंगे। अभी जो प्रश्न हुआ था हमारे वर्तमान में कितने योग होते हैं, हमारे वर्तमान में 9 योग हो सकते हैं, परंतु एक समय में एक ही योग रहता है, एक से ज़्यादा कभी किसी भी जीव के नहीं होते। कोई चोर हमारा सामान लेकर भागा तो हम चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं, तो हमारे तीनों योग कैसे हुए? तीनों योग कैसे नहीं, आप ये पूछिए तीनों योग क्यों नहीं हुए। आपका कहना क्या है? आपका सामान लेके चोर भागा, आपने दौड़ लगाई तो काय योग हो रहा है, दौड़ रहे हैं आप, शोर मचा रहे हैं इसको पकड़ो पकड़ो, तो वचन योग भी हो रहा है और सोच भी रहे हैं मेरा सामान मिले कैसे, तो मनोयोग भी हो रहा है। पर ऐसा होता नहीं, जिस समय आप सोचते हैं, दो चीज़ों का ध्यान रखें अपन, एक योग होता है एक उपयोग होता है। आत्मा का उपयोग जिस तरफ होता है ना, वही योग होता है। आत्मा का उपयोग जिस तरफ होता है, या यूँ कहें आत्मा का प्रयोग जिधर होता है उस समय वही उपयोग वही योग होता है, दूसरा नहीं। जब आप सोचते हैं तो चाहे आपका शरीर दौड़ रहा हो, काय योग नहीं होगा, आपका मनोयोग होगा। जिस समय आप जोर लगा के बोल रहे हैं उस समय मनोयोग नहीं, काय योग नहीं, उस समय मात्र वचन योग होगा। क्रियाएं एक साथ दिखाई पड़ सकती हैं मन वचन काय की, जैसे पहले भी मैंने बताया था, सामने अगर आप टीवी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इस समय, तो क्या आपके कर्ण इंद्री और चक्षु इंद्री दोनों इंद्रियों का उपयोग एक साथ हो रहा है? नहीं, एक साथ नहीं हो रहा। जिस समय आप देख रहे हैं तब सुन नहीं रहे, सुन रहे हैं तो देख नहीं रहे। उसी तरह योग में लगाइए, जब आत्मा सोचता है तब बोलता नहीं और शरीर संबंधी क्रिया करता नहीं। शरीर संबंधी क्रिया होती है तो वह संस्कारवत हो रही है, लेकिन उधर आत्मा का प्रयोग या उपयोग नहीं है। तो क्या हुआ, हमें लगता है कि तीनों योग एक साथ हो रहे हैं, पर एक समय में एक ही योग होता है, कभी भी कोई दो योग नहीं हो सकते। और एक योग के विभिन्न भेदों में से भी एक समय में एक भेद होता है, दो भेद नहीं हो सकते। केवली भगवान के कितने योग होते होंगे फिर? केवली भगवान के 2 मनोयोग, 2 वचन योग और काय योग में 3 काय योग होते हैं। कैसे कैसे? उनके वचन सत्य होते हैं,
इसलिए सत्य वचन योग। और सत्य वचन के लिए जो पहले मतलब भूत में क्योंकि मन से प्रयोग हुआ था इसलिए उस समय सत्य मनोयोग। भाषा जो होती है दिव्य ध्वनि वो अनुभव वचन वाली है इसलिए अनुभव वचन योग, उसके साथ में अनुभव मनोयोग। तो दो मनोयोग सत्य और अनुभव, दो वचन योग सत्य और अनुभव। अब काय योग कितने होते हैं? केवली भगवान के तीन काय योग होते हैं, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। सामान्य से जब तक केवली भगवान समवशरण में रहते हैं या उनका विहार होता रहता है तब तक उनके मात्र औदारिक काय योग होता है। जब वे अंत में समुद्घात करते हैं तो समुद्घात करते समय दंड समुद्घात में औदारिक काय योग, कपाट में औदारिक मिश्र काय योग और प्रतर और लोकपूरण समुद्घात में कार्मण काय योग होता है। शेष समयों में उनके औदारिक काय योग रहता है। तो इस तरह केवली भगवान के दो मनोयोग, दो वचन योग और तीन काय योग, सात योग होते हैं। अगला सूत्र देखिए, स आश्रवः। बोलिए सा माने वह, अर्थात वह योग ही आश्रव है। जो पहले सूत्र में मन वचन और काय की क्रिया के कारण होने वाला जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन था उसे कहा था योग, और वह योग ही आश्रव है। आश्रव की परिभाषा क्या है? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। तो किन द्वारों से कर्म आते हैं, वे द्वार कौन से हैं? 15 प्रकार का योग। यदि योग न हो तो कर्मों का आश्रव हो ही ना। तो जैसे कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं तो उसी प्रकार ये 15 प्रकार के योग के माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है, इसलिए ये 15 प्रकार का योग ही आश्रव है। आश्रव की यही परिभाषा है या कुछ और भी है? आश्रव योग को आश्रव कहते हैं। इसकी परिभाषा हम दूसरी यूं भी कह सकते हैं, कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन करना आश्रव है। अर्थात मनोचन काय की क्रिया होने से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वह आश्रव है, और उस परिस्पंदन के कारण कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन करती हैं, इसलिए कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन करना भी आश्रव है। आश्रव की दो परिभाषाएं लगा लें, कोई आपत्ति नहीं। क्या प्रति समय कर्मों का आश्रव होता ही है? सोचें, क्या कोई ऐसा समय है जब मन वचन और काय की क्रिया ना हो रही हो? नहीं, ऐसा कोई भी समय नहीं। हो सकता है आप सो रहे हैं और आप बिल्कुल गहरी निद्रा में हैं, आपका मन भी सोया है और वचन भी शांत है, तो क्या शरीर में क्रिया नहीं हो रही है? हो रही है। प्रति समय मन वचन और काय की इन तीनों में से किसी न किसी की क्रिया प्रति समय होती ही है, 24 घंटे में और हर प्रति समय। और तो और देखिए, आत्मा जब एक शरीर को छोड़कर अन्य शरीर में नया जन्म लेने के लिए जाता है, नया शरीर ग्रहण करने को जाता है, विग्रह गति में रहता है, तब क्या उसके क्रिया नहीं हो रही है? नहीं, उसके उस समय भी क्रिया। आश्रव से कभी एक समय के लिए कोई नहीं बचता। और तो और जो 13वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान होते हैं उनके भी कर्म आते हैं, उनके भी आश्रव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ योग है, इसलिए कहा योग ही आश्रव है। योग है तो आश्रव है, इसलिए हमारे प्रति समय योग है, और योग होने के कारण प्रति समय आश्रव है। आश्रव कितने प्रकार का होता है? आचार्य सूत्र लिख रहे हैं,
शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य बोलिए शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। देखिए आश्रव दो प्रकार का, एक पुण्याश्रव और एक पापाश्रव। हम ये भी कह सकते हैं एक शुभाश्रव एक अशुभाश्रव। सूत्र का अर्थ देखें जरा, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। शुभ शुभ, शुभ का मतलब मन वचन काय की शुभ क्रिया पुण्य का आश्रव है, और मन वचन काय की अशुभ क्रिया पाप का आश्रव है। अर्थात मन वचन काय की अगर हम शुभ क्रिया करते हैं तो शुभ कर्मों का आश्रव होता है, और मन वचन काय से यदि अशुभ क्रिया करते हैं तो अशुभ कर्मों का आश्रव होता है। सूत्र का अर्थ क्या बना, शुभ पुण्यस्य शुभ योग पुण्य का, अशुभ पापस्य और अशुभ योग पाप का आश्रव है। और अच्छी तरह देखें, मन वचन काय की शुभ क्रिया पुण्य का आश्रव है, मन वचन काय की अशुभ क्रिया पाप का आश्रव है। पुण्य और पाप किसे कहते हैं? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बड़ी सुंदर परिभाषा लिखी। उन्होंने लिखा है, जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं, और जो आत्मा को शुभ से दूर करे उसे हम पाप कहते हैं। यहाँ पर जो शुभ और अशुभ की बात चल रही है, तो यहाँ शुभ योग और अशुभ योग से क्या लेना चाहिए? बड़ी सरल परिभाषा समझें, हमारे दर्शक लोग भी समझें। हम चाहते क्या हैं, हमें पुण्य का आश्रव हो पाप का आश्रव ना हो। तो ये सूत्र अच्छी तरह समझना चाहिए। देखिए शुभाश्रव या पुण्य का कार्य परिभाषा, जितने भी धार्मिक कार्य हैं वे शुभाश्रव के कारण हैं, वे शुभ योग कहलाते हैं, और जितने भी सांसारिक कार्य हैं वे सब अशुभ योग कहलाते हैं। सीधी सी परिभाषा, आप 24 घंटे दिन में धार्मिक कार्य में आधा घंटे लगे रहे, आधा घंटे पुण्य का आश्रव होगा, 23.5 घंटे पाप का आश्रव होगा। ये छठा अध्याय अच्छी तरह समझना है। अपने अपने अंदर लगाइए, आप मंदिर जाते हैं आधा घंटा, आधा घंटा आपने शुभ कार्य किया, आधा घंटे शुभ योग रहा, सुमन वचन काय रहे, आधा घंटे पुण्य का आश्रव होगा। शेष 23.5 घंटे घर में खाना बनाया, बच्चों को रखा, झाड़ी वारी, कपड़े धोए, व्यवस्था बनाई, आने जाने वालों का स्वागत किया, किसी की ब्याह शादी में मौज जिंदगी में गए, सोए खाया नहाए धोए, सब अशुभाश्रव, सब पाप का आश्रव है। पुण्य का आश्रव शुभ योग कौन सा माना जाएगा? जितने समय तक आपने मन वचन काय को धार्मिक कार्यों में लगाया वो माना जाएगा पुण्य पुण्याश्रव। शुभ पुण्यस्य शुभ योग पुण्य का आश्रव है। शुभ योग माने धार्मिक कार्यों में लगे हुए मन वचन काय, अशुभ योग माने सारे सांसारिक कार्यों में लगे हुए मन वचन काय। दुकान पे बैठे हैं, नौकरी पे गए हैं, खेल कूद रहे हैं, स्वास्थ्य बनाने के लिए योगासन कर रहे हैं, सुबह घूमने जा रहे हैं, सब अशुभाश्रव। और जितने समय तक धार्मिक कार्यों में मन लगा है उतने समय तक मन की क्रिया शुभ, जितने समय तक आपके वचन भगवान का स्तवन शास्त्र का स्वाध्याय सामायिक पाठ कर रहे हैं वचन का शुभाश्रव शुभ योग, और जितने समय तक आपका शरीर धार्मिक कार्य में लगा है तो काय भी शुभ में, तो शुभ योग पुण्य का। अर्थात मन वचन काय जब शुभ धार्मिक कार्य कर रहे हो तो पुण्य का आश्रव होगा, और मन वचन काय सांसारिक कार्य कर रहे हो तो पाप का आश्रव होगा।
मंदिर में बैठे हुए देखते रहते हैं, उसने अपनी थाली में स्वास्तिक कैसा बनाया, वो अर्घ कैसे चढ़ा रहा है, वो कैसे बोल रहा है, इन झगड़ों में क्या रखा। जाप देने बैठते हैं, मन लगता है क्या हमारा? कभी आपने 108 बार में ये कोशिश की, मेरा मन कितनी बार मंत्र में लगा? कभी नहीं कोशिश की। आपने सोचा आज 108 बार में 20 बार मन लगा है, कल 30 बार लगाऊं और 40 बार लगाऊं और 100 बार लगाऊं, कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। हम जितने भी जैनी भाई हैं ना, उनमें अधिकांश सब कोरम पूरा करने वाले हैं। मंदिर गए, जल्दी से 3 परिक्रमा लगाई, गंधोदक के 4 छींटे लगाए और घर भागे। ये शुभ योग नहीं होता, ऐसे नहीं होता। 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात, हमारी क्रिया ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे परिणाम अच्छे होने चाहिए। और तीसरी बात, हमारा अभिप्राय भी ठीक होना चाहिए। बहुत से लोग मंदिर में पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा किस लिए करते हैं? कि इसलिए सब सुविधा बनी रहे। बहुत से लोग तो यूँ करते हैं, भगवान के सामने खड़े होके, भगवान हमें दो दो, क्या देना, क्या सांसारिक वस्तुओं की क्या वांछा करनी। ये शुभ योग नहीं, अशुभ योग है। अच्छी तरह परिभाषा समझ लें, आपका मन वचन काय जितने समय तक धार्मिक क्रियाओं में है, उतने समय तक शुभ योग है, पुण्य का आश्रव होगा। और जितने समय तक शुभ क्रिया करता हुआ भी अन्य विकल्पों से युक्त है, तो अशुभ योग है और पाप का आश्रव होगा। आचार्य क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी बात कहते हैं। आचार्य कहते हैं, वर्तमान में हमारे द्वारा 3 पुरुषार्थ करने योग्य हैं। कौन कौन सा? धर्म, अर्थ और काम। जो अच्छे गृहस्थ हैं, वो अपने 24 घंटे इन 3 पुरुषार्थों में इक्वली बांटते हैं। 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ, 8 घंटे अर्थ पुरुषार्थ, 8 घंटे काम पुरुषार्थ। एक गृहस्थ को चाहिए, व्यापारी हैं हम और आप लोग, घर गृहस्थी वाले हैं, 8 घंटे धर्म में लगाएं, 8 घंटे रोजगार, नौकरी, व्यापार में, और 8 घंटे शरीर के लिए सोना, नहाना, खाना पीना आदि में। अगर हमने इक्वली बंटवारा किया है तो हम अच्छे गृहस्थ हैं, और इक्वली बंटवारा नहीं किया तो जिधर आपने ज़्यादा दिया ना, वो कर्मबंध ज़्यादा होगा। अर्थात अगर अशुभ में देते हैं तो अशुभ अर्थात पापाश्रव ज़्यादा होगा। हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं, अर्थ और काम में हम कभी कटौती नहीं करते, कटौती करते हैं धर्म में। बड़े होशियार हैं हम लोग। कहीं समय देना हो तो धर्म के काम में से आधा घंटा, 1 घंटा तो कट कर लेंगे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि धर्म के काम में को अगर कुछ बढ़ा दें तो अच्छा होगा। मान लो रोजाना आप 1.5 घंटे पूजा करते हैं। आज घर में कुछ मेहमान आ गए थे, बेटी की सगाई का प्रसंग था, तो बजाय 1.5 घंटे के हमने 0.5 घंटे पूजा की। तो क्या ऐसा कर सकते हैं आप कि कल जब सगाई का मामला ख़त्म हो गया तो कल बजाय 1.5 घंटे के और 2.5 घंटे पूजा करें? जो 1 घंटे कटौती की है ना, वो चुकता करो ना। आपने अपनी आत्मा के साथ जो गड़बड़ की थी उसको ठीक करो ना, तब तो बात बने। वो तो करते नहीं। धर्म के समय में से हमने कटौती कर ली, लेकिन संसार के टाइम में से कटौती करके धर्म को कभी दे दें, ये कभी नहीं होता। कभी आपने ऐसा सोचा, आज छुट्टी का दिन है, आज चलो आज 4 पूजाएं ज़्यादा करेंगे? नहीं नहीं, छुट्टी वाले दिन आज होटल में खाना खाने जाएंगे, आज घूमने फिरने जाएंगे, आज बच्चों को घुमाने ले जाएंगे, उधर तो आपने समय बढ़ा दिया, धर्म में कभी समय नहीं बढ़ाया। आचार्य क्या लिख रहे हैं? शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रव है। इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। जय जिनेन्द्र।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ रीरोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली।